लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ऐसी करतूत सामने आई है जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस खबर को देखेंगे, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, शॉक्ड रह जाएंगे। जितनी बड़ी बड़ी बातें वो महिलाओं के सम्मान में करते हैं, बेटियों की सुरक्षा के लिए करते हैं, उन सब पर यह बीजेपी का नेता पलीता लगाते हुए नजर आ गया है। यह खबर दिल्ली से ही जुड़ी हुई है। एक बीजेपी नेता राष्ट्रीय स्तर का है और उसकी पत्नी अपनी एक बेटी को मंदिर के बाहर फेंक कर चली जाती है। दूसरी तरफ आप सोचिए कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बीजेपी के नेता सीधे उनकी बातों से उलट काम करते हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में महिला के खिलाफ अपराध करने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिसमें कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, कई दंगाई हैं, जो सब बीजेपी में हैं। और बेटियों के लिए उनके मन में कितनी घृणात्मक सोच है वो आप सहज समझ सकते हैं। कई रेपिस्ट हैं जो महिलाओं के साथ अन्याय किए हुए हैं। तो ऐसे में जो यह खबर आई है यह हैरान करने वाली है। उस बीजेपी नेता की पत्नी की सच्चाई जब लोगों को मालूम पड़ी तो लगा कि कलयुगी मां कैसी होती है। बीजेपी दुनिया भर में, भारत में पूरे संदेश तो दे ही रही है कि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को सशक्त बनाना है, समाज में आगे ले जाना है। लेकिन इनके घर में तीसरी बेटी क्या हुई, ये लोग हताश हो गए और परेशानी में आकर मंदिर के बाहर बेटी को छोड़कर भाग गए। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, यही वो नेता है जो जेपी नड्डा के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं। ये भाजयुमो के अध्यक्ष हैं, इनका नाम वासु रुखर है और ये दिल्ली भाजयुमो के अध्यक्ष हैं। तो इतने ऊंचे कद पर बैठे हुए हैं लेकिन सोच इनकी इतनी छोटी है, इनकी फैमिली की। इन लोगों ने अपनी ही बेटी को सड़क पर छोड़कर भाग जाना मुनासिब समझा। तो क्या ऐसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का सम्मान भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, ये सवाल लोग पूछने लगे हैं। और इनकी करतूत तो देखिए, इनकी पत्नी ने बेटी को छोड़ने के बाद पुलिस को कॉल कर दिया कि मेरी बच्ची का अपहरण हो गया है, किडनैप हो गया है। और दिल्ली भाजपा का यह नेता खुद इस मामले में बयान देने से भी बच रहा है। क्यों? इस मामले में जब पुलिस को सब कुछ झोल नजर आया तो पुलिस ने तहकीकात शुरू की, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता की पत्नी की बात थी, उनकी बेटी की बात थी, तो पुलिस वाले काम पे लग गए। और जब सच्चाई मालूम हुई कि तीसरी बेटी होने के चलते हताश होकर इस महिला ने मंदिर के बाहर बच्चा फेंका और निकल पड़ी अपहरण की झूठी कहानी रचना, तब हर कोई हैरान रह गया कि बीजेपी की सोच क्या इतनी गिरी हुई है बेटियों के प्रति। बेटी होगी तो मंदिर के बाहर फेंक देंगे, हो भी सकती है। क्योंकि एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से यह कहते हैं कि बेटी और महिलाओं का सम्मान कीजिए, महिलाओं का अपमान ना होने पाए इस बात का ख्याल रखिए, उनको इंसाफ मिले इस बात का ध्यान रखिए, तो वहीं सेम टाइम में आपको याद होगा पिछले साल 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के दरिंदों को रिहा किया गया था, समय पूर्व रिहाई की गई थी। गुजरात की सरकार ने रेमिशन पॉलिसी के तहत उन 11 गुनहगारों को बाहर निकाला। इतना ही नहीं, उसका सम्मान किया गया, फूलमाला से स्वागत किया गया, हिंदू परिषद वाले पहुंच गए उनके स्वागत में। तो मोदी जी की बातों से तो वैसे भी बीजेपी वाले लगता है इत्तेफाक नहीं रखते। मोदी जी कहते कुछ है और उनके पार्टी के लोग करते कुछ है और यह सिलसिला लगातार चलता रहा है। ऐसा नहीं है कि इन रेपिस्टों को, बलात्कारियों को बीजेपी संरक्षण नहीं देती है। बाबा राम रहीम जो रेपिस्ट कन्विक्टेड है, जेल में बंद रहते हैं, लेकिन चुनाव सामने आया है तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, बाहर बार बार पेरोल पे आ रहे हैं बाबा राम रहीम, चुनाव प्रचार करते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लोगों को का जुटान हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है? आखिर ये कौन सी जड़ी बूटी है जिसके तहत बीजेपी के अंदर रहने वाले रेपिस्ट भी समाज के अच्छे नेता के तौर पर गिने जाएंगे? और बाबाओं की जो पोल खुलती है, ये बाबा कहीं ना कहीं बीजेपी से संरक्षित और पोषित होते हैं।
और ऐसे बाबाओं की जब पोल पट्टी खुलती है तो इनके साथ भी ये लोग खड़े होकर आंदोलन प्रदर्शन करने चले जाते हैं। जरा सुनिए कि दानिश अली साहब लोकसभा में इस बाबा राम रहीम पर और भाजपा की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना पर क्या बता रहे हैं। बहुत ही गंभीर बात है, सुनिएगा जरा। सभापति महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़ी जोर का नारा इस सरकार ने दिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या कर रहे हैं? इनकी सोच देखिए सभापति महोदय, हरियाणा से ये नारा शुरू हुआ था मुझे अगर याद होगा, और वहां का एक तथाकथित गुरु जिसके चरणों में इनके नेता जाकर के उसका प्रवचन सुनते हैं, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट कन्विक्टेड, उसको बार बार हर तीसरे महीने पैरोल पर लाते हैं और उससे प्रचार करवाने का काम करते हैं। वो क्या राम रहीम करके कुछ है? नो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, प्लीज। लेकिन मतलब इनका, आप देखिए सभापति महोदय, इनका क्या क्या इनका आचरण है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, सबने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है गुजरात की सरकार ने छोड़ा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है क्या? आप करना क्या चाहते हैं? तो देखा आपने कैसे दानिश अली साहब ने खुले तौर पर पार्लियामेंट में बीजेपी की पोल पट्टी खोलकर रख दी कि आप सिर्फ योजनाएं चलाते हैं लेकिन धरातल पर भाजपा के सांसद विधायक या भाजपा के संरक्षण में पलने वाले ऐसे छूट भैये नेता हो या फिर धर्म गुरु बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हो, बाबा बने फिर रहे हो, ऐसे लोग समाज में महिलाओं के प्रति घृणात्मक सोच रखते हैं, महिलाओं के ऊपर जुल्म करते हैं, यह साफ देखा जाता है। और अब तो कहते हैं घर के अंदर ही यही स्थिति है कि बेटी को ही बाहर फेंका है। कई लोग तो चर्चा यह करने लगते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रखे और अपनी मां का अंतिम संस्कार जब वो कर रहे थे तो भी उनकी पत्नी को बाहर ही रोक दिया गया, उनके घर में ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया, वो अपने सास का अंतिम संस्कार तक नहीं देख सके। तो वहां से भी तो दिखता है कि महिलाओं के प्रति कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में। तो फिर ऐसे नेता जो भाजयुमो के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी तीसरी बेटी होने पर मंदिर के बाहर बेटियों को फेंक कर चली जाती है, तो ऐसे में कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना साकार होगी, कैसे सुकन्या समृद्धि योजना साकार होगी, कैसे बेटियां सशक्त बनेंगी अगर उनके साथ इस तरीके से भेदभाव किया जाएगा। मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बेटा के इंतजार में उन्होंने तीसरा बच्चा पैदा किया जो कि बेटी ही हुई। अगर हुई तो उन्हें अपने परिवार में उतने ही लाड प्यार से रखना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश भर में घूमते रहते हैं। तो फिर ये 3-4-5 बच्चे अगर आप करते हैं तो फिर आपको खुद अपने नियम पर खड़े रहने की जरूरत है, नहीं तो जो योजनाएं चल रही हैं उस योजना के तहत अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। लेकिन किसी बेटी के साथ अन्याय होगा तो लोग सवाल करेंगे ही करेंगे। अभी तो यही स्थिति है कि अपराधी सबसे अधिक भाजपा में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, वैसे वैसे रेपिस्ट घूम रहे हैं, खुले तौर पर घूम रहे हैं, पार्टी संरक्षण देती है और ये लोग कुकर्म भी करते हैं तो भी इनके पाप धुल जाते हैं। लोकमत न्यूज के हिसाब से एक स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है जिसमें भाजपा नेताओं के नाम दिए गए हैं जो सब रेप के आरोपी हैं या कन्विक्टेड हैं। उनमें से आप कई नेताओं के नाम देखिए, एमजे अकबर, कुलदीप सेंगर, विजय जोली, चिन्मयानंद, साक्षी महाराज, राघव जी, उमेश अग्रवाल, परमिंदर कटारिया, जयेश पटेल, शांतिलाल सोलंकी, रविंद्र बावन टाडे, डीएम जीवराज, कृष्णमूर्ति, एच एस रावत, अशोक तनेजा, निहाल चंदा, एच हलालप्पा, हामिद सदर, गोविंद परु मालानी, अशोक मकवाना एंड मेनी मोर। इसमें साफ लिख दिया गया है, अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट बीजेपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलए एंड एमपी फेसिंग रेप चार्जेस। ये सब रेप चार्ज को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में इन भाजपा नेताओं से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगे या फिर इनके घर में ही बेटी होगी
तो ये लोग अपनी बेटी की ही सुरक्षा कर पाएंगे या बाहर फेंक डालेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।